अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज माज खवाजा, फाउंडर ऑफ Askmaaz.com। डियर व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है RRA रूट रिस्क असेसमेंट, यानी रूट रिस्क असेसमेंट क्या होती है। एक हमने हीरा पढ़ी ना, हैदर आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, इसी तरह एक रूट रिस्क असेसमेंट है जो उसकी आगे से फर्दर टाइप है। ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स की कंपनीज, जो ट्रैवलिंग एजेंसीज, ट्रैवलिंग की कंपनीज है, बसेज वगैरह जो होती हैं, आप फैसल मूवी कह लें, डेवो वगैरह, डेवो कह लें, या फिर कह लें BSL कह लें, एजिलिटी कह लें, TCS कह लें, जिनके एक फिक्स रूट्स के ऊपर मूवमेंट होती है गाड़ियों की, हैवी ट्रैफिक की, हैवी व्हीकल्स की, उनके लिए बड़ी अहम है। और आई रिकमेंड कि वो सब ये वीडियोज लाजमी देखें। हाँ जी, तो रूट रिस्क असेसमेंट क्या है? बेसिकली मैंने ना कुछ स्पेसिफिक रिस्क एंड हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं जो तकरीबन हर रूट पे कॉमन भी हो सकते हैं या फिर उन्हीं में से घुमा फिरा कर आएंगे। तो पहले हम वो तमाम हैजर्ड्स या रिस्क जो है एक रूट के ऊपर होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमने पॉइंट बी है, हमने ए से बी पे जाना है, ठीक है। ये दूसरा रूट इसका आ गया, तीसरा रूट, और ये चौथा रूट। डिस्टेंस भी सारे रूट्स के डिफरेंट है, ठीक है, सबके हैजर्ड्स एंड रिस्क्स भी डिफरेंट है, लेकिन जो हम एक सर्कल है ना रिस्क्स और हैजर्ड्स का, वो तकरीबन वो उसी में से सारे आएंगे। वो कौन से 25 के करीब है, 22 है, वो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो आपने रूट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, XYZ कंपनी है लॉजिस्टिक्स या वेयर हाउसिंग की या ट्रांसपोर्टेशन की, उसका एक प्रोडक्ट जो है ए से बी पे जाता है, फ्रीक्वेंटली जाता है। अब कौन सा रूट उसको बेस्ट सूट करेगा और कौन सा रूट वर्स्ट है, इन केस ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, थ्रेट्स, वो कौन से रूट पे जाए और वहां से वापस आए, और व्हाट आर द सेफेस्ट पॉइंट्स, वहां पे कैसे करना, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स या अटैक्स या सिक्योरिटी इश्यूज उसको क्या करना चाहिए। तो पहले हमने वो सारे हैजर्ड्स रिस्क जो कॉमन है वो लिस्ट आउट कर लेते हैं और उनमें से देख लेंगे कौन कौन से बहुत ही ज्यादा कॉमन होंगे, कुछ थोड़े स्पेसिफिक होंगे रूट्स के, फिर हम उनको बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो जो किसी भी रूट के ऊपर हैजर्ड्स इन्वॉल्व है, सबसे पहला हम लिख लेते हैं फ्रॉम मूविंग ए टू बी, पहला हैजर्ड आ गया शार्प टर्न्स। शार्प टर्न्स होंगे तो उसके ऊपर जो बड़ा हैवी व्हीकल है, STV आपका जो है, वो कैसे मूव करेगा, कैसे टर्न करेगा, क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए। नंबर टू, लॉन्ग टर्न्स, ऐसे भी होते हैं रूट्स के ऊपर, बाज रोड पर नजर आएंगे, इतना शार्प नहीं होता लेकिन वो इतना लंबा स्प्रेडेड ऑन फ्यू किलोमीटर या एक या दो किलोमीटर के ऊपर होता है, बाईपासिस के ऊपर यूजली आपको नजर आएंगे, उसके हैजर्ड्स क्या है, उसके रिस्क क्या है। नंबर थ्री, ट्रेवलिंग नियर स्कूल्स, स्कूल्स के पास क्या है, क्या रिस्क होंगे। नंबर फोर, नियर मॉस्क, मस्जिद के पास जब आप गुजरें तो वहां पे क्या रिस्क या हैदर, वो क्या हैदर्स हो, रिस्क हो सकते हैं। नंबर थ्री, नंबर फाइव जो है हम कह लेते हैं हॉस्पिटल्स। नंबर सिक्स, रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल कॉलोनी कह लें या एरिया कह लें, ठीक। नंबर सेवन जो होगा वहां से और क्या हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया अगर कहीं पे बीच में आ रहा है आपके रूट के अंदर, तो उसको आपने कैसे असेस करना है और उसमें क्या कुछ होगा। देन नंबर एट क्या आ जाएगा, मार्केट्स, वहां पे अगर रस्ते में कोई सुपर मार्केट या बड़ी मार्केट आ रही है तो इसमें आप मवेशी मंडी का भी कर ले, एनिमल मार्केट। इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ पंजाब टू नॉर्दर्न पंजाब, तो रस्ते में एनिमल मार्केट्स बहुत ज्यादा आती हैं, स्पेशली नियर ईद उल अजहा, तो ये एक हैजर्ड है और रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। देन नंबर 10 आ गया पासिंग नियर टोल प्लाजाज। 11 आ गया मोटरवे इंटरचेंज।
ठीक नंबर 12 आ गया ट्रैवलिंग ऑन मोटरवे इटसेल्फ. तो ये अभी 12 है, 12 को हम देखते हैं. तो शार्प टर्न्स, अगर आपके रूट पे शार्प टर्न आ रहा है तो आपके क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या आपको गाड़ी स्लो करेंगे तो कोई गाड़ी आपको हिट कर सकती है, आपकी गाड़ी ऑफ रोड हो सकती है, आपकी टाइमली ब्रेक ना लगे तो आपकी गाड़ी उलट सकती है. हैवी व्हीकल्स की मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो आपको डेड स्लो होके मूव करना पड़ता है. जब हैवी व्हीकल्स डेड स्लो होके टर्न कर रहे होते तो छोटी गाड़ियाँ जो होती है ना, छोटी गाड़ी में ले लो LTV या फिर कार जीप वगैरह, वो बीच में से ऐसे कट शट लगा के निकलते हैं तो उससे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. इसी तरह लॉन्ग टर्न्स के ऊपर आपकी क्या स्पीड होनी चाहिए, कौन सा एंगल होना चाहिए, आप ऑफ रोड ना हो और अगर लॉन्ग टर्न पे मुड़ते हुए टायर बस्ट कर दे ये भी रिस्क है, तो हाउ विल यू कंट्रोल इट. तो आपने इसको एड्रेस करना रूट रिस्क असेसमेंट के अंदर. नियर स्कूल्स, व्हेन पासिंग नियर स्कूल्स आइडेंटिफाई द स्कूल्स और योर रूट, और स्पेशली सुबह के वक्त एंड शाम को, दोपहर के वक्त, यानी सुबह 8 बजे स्कूल्स के पास रश होगा, बच्चे जल्दी में रोड क्रॉस करते हुए नजर आएंगे आपको, और दोपहर को 2 बजे भी रोड क्रॉस करते हुए नजर आएंगे. तो आपने रूट रिस्क असेसमेंट जब करनी है तो स्कूल्स कहाँ कहाँ पे कितने हैं इन सबका ख्याल रखना है. देन पासिंग नियर मॉस्क्स, जुम्मे के दिन स्पेशली 1 से 2 ये अपने मॉस्क आइडेंटिफाई करें अपने रूट के ऊपर, और 1 से 2 जो है जुम्मे के दिन वहाँ पर डेफिनेटली जुम्मे का वक्त होता है तो लोग रोड क्रॉस करेंगे, जल्दी में नजर आएंगे आपको, तो आपको हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है, तो वो एक रिस्क है. देन हॉस्पिटल्स, डेफिनेटली पासिंग नियर हॉस्पिटल्स, हो सकता है कोई एम्बुलेंस एमरजेंसी में आए और आपकी गाड़ी के आगे से, हैवी व्हीकल के आगे से कट लगा के खड़ी हो जाए और आपको हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ जाए, आप उसको हिट कर दें, या फिर मुमकिन है कि कोई इंसिडेंट हुआ हो तो वो डिसीज पर्सन हो तो उसके लुहाकिन जो है वहाँ पे एहतजाज कर रहे हो, रोड ब्लॉक हो, तो दीज आर द रिस्क इन्वॉल्व व्हेन पासिंग नियर द हॉस्पिटल्स. देन रेजिडेंशियल कॉलोनी, रेजिडेंशियल कॉलोनी जहाँ पे होगी डेफिनेटली वहाँ पे बच्चे भी होंगे, खवातीन भी होंगी, बूढ़े भी होंगे, तो वो रोड के किनारे रश होने का खतरा होता है. देन इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया अगर आपके रूट पे कोई आता है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज इंडस्ट्रियल एरिया, बिकॉज व्हाइल पासिंग थ्रू दिस इंडस्ट्रियल एरिया तो शाम के 5 बजे और सुबह के 8 बजे या 9 बजे बसेस का वहाँ पे जो होती हैं शिफ्ट वैन्स उनका रश होगा, तो आपने उस वक्त कौन सी क्या स्पीड लिमिट पे रहना है, कौन से ट्रैक पे रहना है, ब्रेक लगानी है, वहाँ पे रेस्ट करना है, वहाँ से गुजरना नहीं गुजरना, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोस दीज थिंग्स. देन मार्केट्स, कितनी मार्केट्स आपके एरिया में आपके रूट में आ रही हैं, और स्पेशली एनिमल मार्केट्स, इसका मैंने पहले भी कहा है कि स्पेशली नियर ईद उल अज़हा 1 महीना पहले जो है ना वो जो एनिमल मार्केट्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, तो मवेशी जो होते हैं, बकरे जो होते हैं, जानवर जो होते हैं जिसमें गाय भी आ जाती है, भैंस भी आ जाती है, वो भैंस तो नहीं करते लोग, गाय, बैल, ऊँट, तो उनमें से कोई दौड़ के रोड के ऊपर भी आ जाते हैं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन टोल प्लाजाज, व्हेन यू आर पासिंग थ्रू टोल प्लाजाज, आप हैवी व्हीकल के अंदर है तो जो आपके नियर बाय लोग होते हैं वो इधर उधर कट लगा के ना आगे आके जल्दी से पास करने की कोशिश करते हैं, तो हार्ड ब्रेकिंग वहाँ बढ़ जाती है. इसी तरह ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी है, अगर आपके पास कोई छोटी कार है तो उसके बावजूद जो लोग होंगे अंदर घुसेंगे तो हार्ड ब्रेकिंग, एक्सीडेंट, टचिंग, इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं. फिर देन टोल प्लाजा, इफ यू आर पासिंग थ्रू एनी टोल प्लाजा इन नाइट, आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी थ्रेट भी वहाँ पे है, तो आपने सिक्योरिटी रिस्क को भी आपने आइडेंटिफाई करना है. देन मोटरवे इंटरचेंज, मोटरवे इंटरचेंजेस बड़े अहम है और इसके ऊपर एक्सीडेंट के चांसेस आमतौर पर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज अब कोई व्हीकल मोटरवे से आके जब उतर रही है तो उसकी स्पीड हाई होती है, इस तरह जब कोई मोटरवे पे चढ़ते हैं तो वो टोल पे करके तो 80-90 की स्पीड पे एकदम से टेक ऑफ करते हैं, तो साइड से जो व्हीकल आ रही होती है उसका सही तरीके से अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि आपको मिरर पे बैक साइड पर नज़र आ रहा होता है, तो आपका टोल प्लाजा जो वो मोटरवे इंटरचेंज होता है वो यूं कर्व में होता है, तो गाड़ी आ रही है यहाँ से तो आपको जो भी नजर आएगा वो ये नजर आएगा अपने शीशे में, तो आमतौर पर साइड टू साइड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो डू इट इज टू रिस्की. देन मोटरवे इटसेल्फ एक उसमें रिस्क है स्पीड लिमिट का, स्पीड इश्यूज का, टायर बस्ट होने के, और लोग ओवरटेक करते हैं 120 स्पीड लिमिट है, 130-140 पे चलाते हैं, और अगर प्रोटोकॉल से गाड़ियाँ आ रही हो तो 180-160 पे भी नजर आएंगी आपको. और अब हम जाते हैं बाकी के हैजर्ड्स को डिस्कस करते हैं कि रूट रिस्क में कौन कौन से हैं. मैं इस रब कर लूँ, 12 पे हम पहुंचे हैं ना, 12 पे. अच्छा, और किसी रूट के ऊपर जो हैजर्ड्स हैं ये आ जाते हैं 13, समर्स विंटर्स, मैंने एक कर दिया दोनों को. ये सारे जो रिस्क होंगे ना जो हमने 12 देखे हैं, 13 नंबर है समर्स एंड विंटर, ये समर में डिफरेंट होंगे, विंटर्स में डिफरेंट होंगे. ठीक है, समर के रिस्क में डिहाइड्रेशन बहुत आ जाएगी, ठीक है, टायर्डनेस आ जाएगी, दोपहर को 1 से 3 बजे के दरमियान खाना खा के नींद आती, तो उस वक्त आपने अपने ड्राइवर्स को एडवाइस करना है कि ना ट्रैवल करें,
रेस्ट कर लें, नाइट रातें छोटी होती है तो रात को नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह अर्ली निकल पड़ते हैं जर्नी के लिए, तो आपने इस तरह के स्टेप्स लेने हैं। डिहाइड्रेशन की से बचने के लिए पानी पास रखें, ड्राइवर्स को एडवाइज करें। जिस तरह विंटर्स के अंदर फ्लू, नजला, जुकाम, फीवर, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। देन विंटर का एक और आ जाता है इशू, 14 नंबर हम कर लेते हैं इसको, फॉग, ट्रैवलिंग इन फॉग। ये शार्प टर्न्स, लॉन्ग टर्न्स, मोटरवे इंटरचेंज, टोल प्लाजा, ट्रैवलिंग नियर मॉस्क, स्कूल, ये सारे जो है फॉग के अंदर के हैजर्ड्स और इसके रिस्क जो है ज्यादा सीवियर हो जाएंगे, क्योंकि नजर नहीं आ रहा ना, विजिबिलिटी के इशू आ जाते हैं। देन नंबर 15, आपने आइडेंटिफाई करना है कि रेनी सीजन, इन तमाम जो पिछले हमने पढ़े हैं, इन रेनी सीजन में क्या रिस्क हो जाएंगे। डेफिनेटली शार्प टर्न, लॉन्ग टर्न, क्योंकि गाड़ी स्किड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ड ब्रेकिंग के जो है उसमें स्लिपिंग बढ़ जाती है। देन आ जाता है ग्लेयर या सनसेट पॉइंट्स। अब बाज़ का आप किसी रोड पर ट्रेवल कर रहे थे, सूरज इतना नीचे आ जाता है कि आपके ऊपर जो ब्लैक पट्टी आपने लगाई हुई है ना, उसकी डायरेक्ट सनलाइट से या फिर रोशनी से बचने के लिए उससे भी नीचे आया होता है, तो बिल्कुल आंखों में पड़ा होता है, तो उस वक्त भी आपको विजिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। तो ये तमाम जो पहले हमने पढ़े हैज़र्ड्स, उनके अंदर ये एक एडिशनल रिस्क इम्पोज कर देता है कि आपको विजिबिलिटी के कंसर्न रेज हो जाते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा होता। देन स्ट्रेस, 18 फेस्टिवल्स, अपने रूट पे आइडेंटिफाई करें कि आपके रूट जो है लाहौर से मुल्तान का है, मुल्तान से बावलपुर है, या फिर लाहौर से रहीमिया खान का, जो भी है, इस पूरे रूट के अंदर कितने फेस्टिवल्स वाले पॉइंट्स आते हैं, कितने मेले लगते हैं। जैसे आजकल ये गंदम की कटाई का सीजन आ रहा है तो विसाखी लगने वाला होगा। देन बड़ी छोटी ईद के नज़दीक जो है वो ट्रेवलिंग जो है वो स्ट्रेस एंड वाली हो जाती है, क्योंकि लोगों को जल्दी होती है कि मैं अपने घर पहुंचूं, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ ईद करूं, और उसमें ट्रैफिक जैम भी बढ़ जाता है, सब छुट्टी पे निकल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, क्राउडेड होती है, ओवरलोडेड होती हैं सारी रोड्स, सारे रूट्स ओवरलोडेड होते हैं। दस फटीग आ जाती है। अब थकावट और थके हुए हारे जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, अब आवाजार हैं कि यार मेरा काम करने का दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, आपने जल्दी पहुंचना है, प्रोलॉन्ग ड्राइविंग है, इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। देन ड्राइवर फिटनेस इटसेल्फ जो है एक हैज़र्ड है। ड्राइवर फिटनेस के वहां पे कौन कौन से इश्यूज हैं, कहां कहां पे अपने ड्राइवर फिटनेस को इंश्योर करने के लिए मेडिकल टेस्ट लेने हैं, और रेस्ट पॉइंट्स ये आपके रूट के ऊपर ना होने चाहिए आइडेंटिफाइड, और रेस्ट पॉइंट सेफ पॉइंट्स हो, यानी जब आपकी लॉरी जो है वो एसटीवी ट्रक जो है या फिर बस जो है वो कराची से लाहौर के लिए निकली है या कराची से इस्लामाबाद जा रही है, तो आपने पहले से पॉइंट्स डिसाइड किए, जैसे डेवो बस वालों का होता है, इस तरह अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर है तो उनके भी पॉइंट्स डिसाइडेड होंगे, यार ये सेफ पॉइंट्स है, इस इन दो घंटे के दौरान ये यहाँ पे सेफ पॉइंट में रेस्ट करेंगे, हमें पता होगा, ट्रैकर के थ्रू आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी रिस्क पॉइंट्स कौन कौन से, 22 पे आप पहुंच गए, ट्रैवल के जो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, कौन से रूट्स ऐसे हैं, या फिर उस रूट की कौन सी स्पेसिफिक रोड ऐसी है, कौन सा लोकेशन ऐसी है जहाँ से हमने रात के वक्त वीराने में वहां से नहीं गुजरना, तो ये सारी चीजें जो हैं, जब आप उन सारे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड रिस्क मेंशन करेंगे, फिर उस रिस्क के आगे मिटिगेशन मेजर्स मेंशन करेंगे, देन आपकी रूट रिस्क असेसमेंट कंप्लीट होगी। इसी का सेकेंड पार्ट होता है जर्नी मैनेजमेंट प्लान, JMPA, तो वो हम इसे अगली वीडियो में शूट करते हैं।